मध्य प्रदेश के बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश के अधिकतर शहर में रविवार को लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं इंदौर और भोपाल में यह लॉकडाउन रविवार और सोमवार को रहेगा। गौरतलब है कि भोपाल इंदौर में कोरोना के केस कुछ ज्यादा ही देखने में आ रहे हैं। देखिए, गाइडलाइंस भी पूरी तरह से स्पष्ट हैं और सभी लोगों से भी यही अपील है कि त्योहारों के और परंपराओं के निर्वहन पे किसी प्रकार की रोक नहीं है। सभी लोग अपनी अपनी परंपराओं का निर्वहन कर सकें उसके लिए अनुमति जारी की जा सकती है, की गई है। लेकिन इसके साथ ही हम सबको ये समझना पड़ेगा कि कोरोना का खतरा हम सबके लिए, हमारे सबके परिवार के लिए है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग अपनी परंपराओं का निर्वहन, अपने त्योहारों का मनाना ज्यादा से ज्यादा घरों पे ही करें, केवल अपने परिवार के साथ करें। अन्य लोगों से मिलना जुलना और हाथ मिलाना, रंग लगाना जितना ज्यादा संभव हो उतना ज्यादा अवॉइड करें, जिससे कि हम इस संक्रमण को आगे बढ़ने से, तेजी से पैर पसारने से रोक सकें। लॉकडाउन की व्यवस्था लग गई है, हर जगह जो है बैरिकेडिंग्स है हम लोगों की, अनाउंसमेंट्स के माध्यम से, ड्रोन्स के माध्यम से और पीए सिस्टम जो गाड़ियों में फिट किए हैं उसके माध्यम से लगातार जो है गाइडलाइंस का हम लोग अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं लोगों से, जो उनको लगातार टोका टोकी भी कर रहे हैं, लगातार गाइड कर रहे हैं, लगातार अलर्ट कर रहे हैं। यही प्रोसेस आज भी चालू रहेगा। सांकेतिक रूप से जो व्यवस्था है उसको भी सुचारू रूप से करवा लेंगे कि जो जितनी होलिका दहन के स्थान है वहाँ पे जो है वॉलंटियर्स जो वहाँ के लोग हैं वो आकर के होलिका दहन कर लें सांकेतिक रूप से। और इसी तरह की व्यवस्था शब बारात के लिए भी की गई है। किसी को अगर किसी तरह की असुविधा आएगी तो हमारे गाड़ियाँ, हमारे नंबर्स उपलब्ध हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि सांकेतिक रूप से परंपराओं का निर्वहन भी हो जाए और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन भी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।